दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के रिजल्ट में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो आपका रिजल्ट अपडेट ना हुआ हो या आपके मार्क्स ना दिख रहे हो NCVT MIS पोर्टल पे, आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद भी जो आपका रिजल्ट नहीं आया, किसी भी तरह की समस्या, इस समस्या का जो समाधान है दोस्तों वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ख़ास तौर पे अगर कोई ITI वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ITIs हो चाहे वो प्राइवेट ITI हो, अगर आपके बच्चों ने इस दिसंबर परीक्षा दी है जो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक हो रही थी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। क्योंकि आप लोग जो बाद में शिकायत करते हैं कि सर मेरे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो ये मौका है कि आप समय से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपके मार्क्स नोडल द्वारा नहीं चढ़े हैं या फिर मार्क्स चढ़ने के बाद भारत सरकार द्वारा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी कि कभी भी अगर किसी को भी ऐसी समस्या होती है कि उसने एग्ज़ाम दिया, चाहे वो ED प्रैक्टिकल का हो चाहे वो CBT का हो, CBT के लिए दोस्तों थोड़ा अलग प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर ED प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ है। और इसमें दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आप UP की ITI से हों, आप किसी भी ITI से हों, अगर आपने NCVT के व्यवसाय के अंदर एडमिशन लिया है, यानी कि NCVT कोर्स के अंदर किसी भी ट्रेड में एडमिशन लिया है और आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर ITI वाले समय से अपनी कार्रवाई इस तरह करेंगे जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो दोस्तों बच्चों के रिजल्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, बच्चा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसको कुछ नहीं करना होता, उसको क्या करना होता है, अपने दोनों एडमिट कार्ड को संभाल के रखना होता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उस दिन से लेके अगले 15 से 20 दिन तक का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ITI वालों के लिए, जिस ITI के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो या फिर प्राइवेट ITI हो। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ITI क्या करते हैं, निफराम हो जाते हैं, यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको जो है बेफिक्र नहीं होना है, जिस समय एग्ज़ाम ख़त्म हुआ यानी कि लास्ट एग्ज़ाम जो ओवर हुआ है, जैसे कि 6 तारीख को एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 6 तारीख से लेके अगले 20 दिन तक आपको क्या करना है, NCVT MIS पोर्टल पे मैं आपको एक लिंक दिखाऊंगा, उस लिंक से जाके आपको जो है अपने बच्चों के मार्क्स का स्टेटस चेक कर लेना है, क्या एग्जामिनर द्वारा आपके बच्चों के ED और प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ाए गए या नहीं चढ़ाए गए। अगर एग्जामिनर द्वारा रह गए हैं तो मौका है, नोडल द्वारा आप अपने बच्चों के ED और प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़वा सकते हैं। अगर नोडल को किसी तरह की समस्या आ रही है, नोडल को बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है, ये भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। आप दोस्तों लिंक के माध्यम से ये भी देख पाएंगे कि स्टेट द्वारा आपके मार्क्स जो है भारत सरकार को आगे फॉरवर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, क्योंकि देखिए मार्क्स चढ़ने के बाद क्या काम होता है, स्टेट को अपने लेवल से अप्रूव करना होता है। तो आप दोस्तों उस लिंक में ये भी देख पाएंगे कि स्टेट ने आपके मार्क्स को अप्रूव किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ चलता हूँ सीधे स्क्रीन की ओर। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर खोलेंगे उसमें जो है आपको NCVT MIS सर्च करना है और NCVT MIS का लॉगिन पेज आपको खोलना है। जैसे ही आप लॉगिन पेज खोल लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दोस्तों आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएटर की ID और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जब दोस्तों आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है दोस्तों खुल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे डाउन में आपको मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस मेन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे दोस्तों सब मेन्यूज और मेन्यूज खुल के आ जाएंगे, जिसमें से आपको देखिए सेकंड लास्ट है Central MIS। अब जैसे ही आप Central MIS पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ED प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री स्टेटस पे क्लिक करना है। दोस्तों ये जो लिंक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, मैक्सिमम ITI वाले इस लिंक के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा लिंक है, इसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपके बच्चों के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की परीक्षा उन्होंने दी है, चाहे वो रेगुलर परीक्षा हो चाहे वो सप्लीमेंट्री परीक्षा हो, उनके मार्क्स चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं, अगर चढ़े हैं तो किस लेवल पे पेंडिंग है, क्या उनको रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर उनको अप्रूव करके आगे भारत सरकार को भेज दिया गया है। ये सभी चीज़ें दोस्तों जो है आपको इस लिंक से पता चल जाएंगी। तो आइए दोस्तों इस लिंक को मैं आगे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इसमें और किस तरह से आपको जो है रिपोर्ट अपनी डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप दोस्तों ED प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री स्टेटस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ITI का नेम आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपका यहाँ स्टेट दिखेगा। जैसे ये जो लॉगिन है दोस्तों उत्तर प्रदेश की किसी ITI का है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों उनका लॉगिन इसीलिए लिया था ताकि मैं आपको ये वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए और आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से जो है ITI वाले देख सकते हैं अपने बच्चों का स्टेटस। अब यहाँ पे दोस्तों ITI नेम के बाद आपको एक कॉलम दिख रहा होगा एग्जाम सिस्टम का। अब दोस्तों एग्जाम सिस्टम में आपको क्या करना है, एग्जाम सिस्टम में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, एनुअल का और सेमेस्टर का। अब अगर रोल नंबर 14, 15, 16 या 17 से शुरू है
तो वो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में हैं, उनके लिए आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों दिसंबर की जो परीक्षा है वो एनुअल सिस्टम की सप्लीमेंट्री और लेफ्ट ओवर बच्चों के लिए परीक्षा थी, तो हमें यहाँ पे एग्जाम टाइप में एनुअल सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे अकेडमिक सेशन का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अकेडमिक सेशन सेलेक्ट करना है। अकेडमिक सेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बच्चे का रोल नंबर आपने देखा होगा कि 18080 से शुरू होता है, या फिर 19080 से शुरू होता है, या फिर 21080 या 22080 शुरू होता है। तो इन 19018021022080 का मतलब क्या होता है, अगर रोल नंबर 18 से शुरू है यानी कि 18 से शुरू है तो मतलब उसका अकेडमिक सेशन 18 है। अगर रोल नंबर 19 से शुरू है तो मतलब उसका एकेडमिक सेशन 19 है। अगर 20 से शुरू है तो मतलब उसका एकेडमिक सेशन 20 है। अगर 21 से शुरू है तो मतलब उसका एकेडमिक सेशन 21 है। तो आपका दोस्तों जो भी ट्रेनी था आपको उस बच्चे का वहाँ पे एकेडमिक सेशन लगा देना है। उसके बाद आपको कॉलम मिलता है सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर सेलेक्ट करने का। आप जैसे कि मैंने बताया ये एनुअल सिस्टम की परीक्षा है तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि 1 ईयर या 2 ईयर। तो अब यहाँ पे आपको अगर बच्चा 1 ईयर का है तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है, अगर बच्चा सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना है। जब हम दोस्तों ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करने की बारी होती है ट्रेड की। अब ट्रेड में दोस्तों आपको दो तरह के ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक एनएसक्यू ऑफ ट्रेड्स होंगी, एक नॉर्मल ट्रेड होंगी। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा बच्चा किस ट्रेड का है, एनएसक्यू ऑफ का है या नॉर्मल का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एनएसक्यू ऑफ और नॉर्मल दोनों ही ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है थोड़ी रियायत बरती गई है, थोड़ी लीनियंट कर दिया गया पोर्टल को, ताकि आप जो है दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। जैसे ही आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास दोस्तों एग्जाम टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। अब यहीं पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, अगर बच्चे का रिजल्ट जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन दिखा रहा हूँ, अगर मार्कशीट वेरिफिकेशन टैब के अंदर आपको दिख रहा है तो मतलब वो बच्चा सप्लीमेंट्री में आपको देखना है। तो यहाँ पे एग्जाम टाइप आपको सप्लीमेंट्री लगाना है। अगर मार्कशीट वेरिफिकेशन में उस बच्चे का उस ईयर में रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको फाइनल लगाना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट ईयर के बच्चों के लिए आपको फाइनल लगाना है, और जिन बच्चों का रिजल्ट दिख रहा है और वो फेल है तो उन बच्चों के लिए आपको सप्लीमेंट्री लगाना है। जैसे ही आप ये सब सेलेक्ट करने के बाद व्यू रिपोर्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की दोस्तों रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें आपका आईटीए का नाम होगा, ट्रेड मेंशन होंगे, एकेडमिक सेशन मेंशन होगा, ईयर मेंशन होगा और एग्जाम टाइप भी मेंशन होगा। अब दोस्तों ये रिपोर्ट यहाँ पे जो है मैंने 29/11 को ली थी, यानी कि एग्जाम शुरू होने से पहले ली थी। अभी मेरे पास किसी भी तरह का लॉगिन नहीं है जो मैं आपको प्रेजेंट की स्थिति दिखा सकूँ। अगर आप में से कोई जो हमारे साथ में लॉगिन शेयर करना चाहता है तो मैं जो हूँ आप लोगों का लॉगिन लेके दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से जो है आपको रिपोर्ट चेक करनी है, किस तरह से यहाँ पे डेटा दिखेगा। लेकिन आप यहाँ से भी दोस्तों समझ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों इसके नीचे आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर, ट्रेनी रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर, एग्जाम टाइप, एग्जाम सेशन, ट्रेड, शिफ्ट, यूनिट, ईडी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, ईडी स्टेटस, प्रैक्टिकल स्टेटस। अब जो दोस्तों लास्ट में चार कॉलम जो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, आपके जिन जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनका यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में डिफरेंस ये होता है कि रोल नंबर में 00 लगा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर में R लगा होगा, बाकी दोस्तों सेम होगा। अब अगर एग्जामिनर ने और नोडल ने आपके बच्चों के मार्क्स चढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे जो है ईडी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स में आ जाएगा मार्क्स एंटर्ड, फिर जो है आगे जो है ईडी स्टेटस और जो है प्रैक्टिकल स्टेटस में पेंडिंग या अप्रूव आ रहा होगा। अगर स्टेट द्वारा अप्रूव कर दिए गए होंगे तो अप्रूव लिख के आ रहा होगा, अगर स्टेट द्वारा अप्रूव नहीं किए गए होंगे, पेंडिंग पड़े होंगे, तो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा होगा। एक यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन और दिखता है रिजेक्टेड, यानी कि स्टेट ने मिलान किया और बच्चे के मार्क्स जो है स्टेट पोर्टल से टैली नहीं हुए, जिसके कारण जो है उन्होंने नोडल को वापस बैक कर दिया ताकि उसके मार्क्स जो है वो सही करके वापस से सबमिट करें। तो दोस्तों ईडी का स्टेटस और प्रैक्टिकल का स्टेटस सेम आपको ऐसे ही देखना है, जिस बच्चे ने ईडी की परीक्षा दी होगी उसका ईडी का मार्क्स यहाँ पे एंटर्ड होगा और जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल की परीक्षा दी होगी उसका प्रैक्टिकल का मार्क्स एंटर्ड होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन और भी दिख सकते हैं ईडी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स में, एक होगा मार्क्स नॉट एंटर्ड, उसका मतलब है कि नोडल या एग्जामिनर द्वारा इस बच्चे के मार्क्स नहीं चढ़ाए गए हैं, या फिर दूसरा होगा एंटर्ड एज एब्सेंट, यानी कि उस बच्चे के मार्क्स जो है एब्सेंट चढ़ा दिए गए हैं। तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स चढ़े हैं या एब्सेंट चढ़े हैं। कभी कभी क्या होती है कि जल्दी जल्दी चढ़ाने के चक्कर में जो है एग्जामिनर से गलती हो जाती है या नोडल से गलती हो जाती है कि किसी और बच्चे का एब्सेंट की जगह किसी और बच्चे का चढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में स्टेट जो है टैली करता हुआ बच्चों को रिजेक्ट कर देता है ताकि वो गलतियों को जो दोस्तों अपनी वापस से सही कर सके। अब आईटीए वालों को यही ध्यान देना है कि ये कॉलम भरे होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ईडी और प्रैक्टिकल दोनों की परीक्षा दी है
तो उस बच्चे के दोनों कॉलम, ईडी के कॉलम और प्रैक्टिकल के मार्क्स के कॉलम में जो है एंड मार्क्स एंटर्ड आना चाहिए। अगर मार्क्स एंटर्ड नहीं आ रहा है या मार्क्स एंटर्ड एज एबसेंट आ रहा है तो फौरन जो है दोस्तों अपने नोडल से संपर्क करें और स्टेट से संपर्क करें, ताकि जो है ये एबसेंट आ रहा है तो अगर बच्चे ने परीक्षा दी है तो उसको उसको सही किया जा सके। यही चीज दोस्तों अगर समय से सारे आईटीआई कर ले तो दोस्तों कभी भी रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके रिजल्ट में इसके बाद भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज यहाँ पे मार्क्स एंटर्ड आ रहा है, अप्रूव भी हो गए हैं, सारी चीज हो गई है, मार्क्स नोडल ने चढ़ा भी दिया, स्टेट ने मार्क्स अप्रूव भी कर दिया, तो उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको ये रिपोर्ट, दोनों बच्चों के एडमिट कार्ड, बच्चों की अटेंडेंस शीट, बच्चों की अवार्ड शीट नोडल से लेके, नोडल से एक लेटर बनवाना है और आपको स्टेट डायरेक्टरेट को मेल करवाना है। दोस्तों स्टेट डायरेक्टरेट से मतलब जो है ऐसी बॉडीज है जो आपके स्टेट में एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और एग्जाम को देख रही है। जैसे कि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे स्टेट डायरेक्टरेट जो है बांसमंडी में, लेकिन दोस्तों एग्जाम का काम जो है परिषद के द्वारा देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, नोडल से चिट्ठी बनवानी है परिषद के लिए और vppuplucknow@gmail.com पे आपको मेल करा देनी है। अगर किसी कारणवश नोडल पे कोई अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने जेडी से संपर्क करना है या फिर नोडल का जिन्होंने चार्ज लिया है आपको उनसे चिट्ठी बनवा के जो है फॉरवर्ड करा देनी है। ये चीजें अगर सारी गवर्नमेंट आईटीआई और सारी प्राइवेट आईटीआई समय से देख लें तो रिजल्ट में किसी भी प्रकार की समस्या ही ना हो। समस्या इसीलिए होती है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज पोर्टल की, अगर पोर्टल की नॉलेज उनके पास होगी तो दोस्तों आपके बच्चों के रिजल्ट में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हो दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो एग्जाम के दौरान रिजल्ट जब आता है तो उस समय जो प्रॉब्लम होती है ना, जो बहुत से लोग बैठे रहते हैं दो दो साल बाद स्टेट में जाते हैं कि सर हमने तो 2022 में परीक्षा दी थी, अब 2024 चल रहा है, हम आए हमारा देख लीजिए, ऐसा कभी मत करिएगा। जिस दिन रिजल्ट आया है, रिजल्ट अगर आपका जो है सही नहीं आया है तो विद इन 7 डेज के अंदर जो है आप अथॉरिटी के पास पहुंची, जो भी वहां पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपकी समस्या को जो है जल्द से जल्द रिसॉल्व कराया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट आने के बाद कुछ टाइम पीरियड मिलता है जो भी रिजल्ट में समस्याएं आई हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अगर किसी कारणवश आप अपनी समस्या को उस समय तक रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो स्टेट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा उस समस्या को लेट साल दो साल बाद सॉल्व कराना संभव नहीं हो पाता है। फिर बच्चा क्या करता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे IGRS डालता है या RTI डालता है, तो आपको IGRS और RTI तक नौबत ना आए उसके लिए आपको ये है कि आपको समय से ये चीज़ें करनी है। अगर कोई ITI आपसे ये कहती है कि बच्चों इस परीक्षा में आपका रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं नेक्स्ट परीक्षा में आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों एडमिट कार्ड लेने हैं और अपने लेके नोडल के पास चले जाइए। अगर नोडल के पास नहीं जा सकते हैं तो आप जो है स्टेट के पास सीधे चले जाइए, वहाँ पे जाके जॉइंट डायरेक्टर साहब से मिलके अपनी समस्या का समाधान करवा लीजिए। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में बताई गई सारी जानकारी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और इसके बाद भी अगर आपकी किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप जो है दोस्तों हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से या ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट इसमें मिसिंग होगा तो आपकी मेल जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी हमारे द्वारा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही ITI से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए ITI के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों को ITI में समस्या हो रही है उन लोगों तक हमारी वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनकी समस्या भी जो हम घर बैठे उनके समाधान करा सकें। अब दूर रहिए दोस्तों, आपकी सभी समस्या आपके मोबाइल पे अवेलेबल होंगी, वो भी विजुअल तरीके से ITI के ज्ञानी के द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी।